वेलकम टू दोस्तों माय न्यू ब्लॉग ईशरदा डैम साइड साय माधपुर टोंक जिले की सीमा पर बन रहा है ईशरदा डैम। ईशरदा डैम बनास नदी पर बन रहा है। रेलिंग और गटर करीबन सभी ब्लॉकों पर रख दिया गया है। डे नाइट दो शिफ्ट में काम चल रहा है ईशरदा डैम का। इधर ये बनास नदी है, डाउन स्ट्रीम में पानी भरा हुआ है। ये रेलिंग है, ये बनास नदी है। ये बनास नदी चंबल नदी में जाके मिलती है, कोटा चंबल नदी में। ईशरदा डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2024 तक ईशरदा डैम काम कंप्लीट हो जाएगा। ईशरदा ऊपर डैम है पुराना, जो 2008 में बनकर तैयार हुआ था। ईशरदा डैम बिसलपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी में ईशरदा डैम बन रहा है। ईशरदा डैम का निर्माण कार्य जारी है। ये बनास नदी पे बन रहा है, दो जिलों की सीमाओं पर, टोंक और सवाई माधोपुर जिला की सीमा पर ईशरदा डैम का निर्माण कार्य जारी है। लगभग 1038 करोड़ की लागत से ईशरदा डैम का निर्माण चल रहा है। यहाँ से दौसा और सवाई माधोपुर को पीने के पानी की सप्लाई होगी। ईशरदा डैम का निर्माण कार्य 2024 में पूरा हो जाएगा। बीते कई वर्षों से ईशरदा डैम का काम